अगर डीएनए हिंदू और मुसलमान का एक है तो फिर धर्म परिवर्तन के कानून की क्या आवश्यकता है, लव जिहाद कानून की क्या आवश्यकता है, फिर मोहन भागवत जी और ओवैसी का दोनों का डीएनए एक ही है। ये सर क्या बताना चाहिए? हाँ, मैंने बधाई दी। कोई सर प्रतिक्रिया? सर चयन कैसा हुआ? मैंने कहा ना, बधाई देते हैं। सर कोविड का टला नहीं है और मंत्रिमंडल में कौन रहे कौन नहीं रहे इसका निर्णय प्रधानमंत्री जी करते हैं, इसलिए उनके निर्णय पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। इतना जरूर कहूंगा कि स्वास्थ्य मंत्री जी का जो कार्यकाल रहा है कोई बहुत उल्लेखनीय नहीं रहा, फिर भी डॉक्टर हर्षवर्धन बहुत नेक इंसान थे, आज भी हैं, और मुझे दुख है कि रविशंकर प्रसाद डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे अनुभवी व्यक्ति जावड़ेकर अच्छे मंत्री माने जाते हैं। सर मोहन भागवत जी दलित और आदिवासियों के ऊपर और महिलाओं पर जिस प्रकार के अत्याचार की खबरें सामने आई हैं निंदनीय है, और प्रशासन के इस मामले में विशेष तौर पर ध्यान दें। सर आज गए थे, सर आप दूसरे परिवार में क्या कहना चाहते हैं? किस तरह का दर्द है सर? काफी पीड़ित हो? पीड़ित तो है ही, लेकिन इसकी जांच केवल एक जिले में हो रही है, जबकि इसमें जो साक्ष्य सामने आ रहे हैं तीन जिलों में, हरदा, देवास और खंडवा, घटनाएं तीन जिलों की, इसलिए सीबीआई को जांच सौंपनी चाहिए, और यदि सीबीआई को जांच नहीं सौंपते हैं तो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम सीनियर पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में और हाईकोर्ट के सिटिंग जज के निर्देशन में ये जांच होनी चाहिए। सज्जन वर्मा जी हम चाहते हैं कि 3 महीने के अंदर सजा मिले और उन्हें फांसी में चला।